नहीं 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 ये कुछ एलिमेंट्स है जो गलत तरीके से आगे इंतजार फैला रहे कि नहीं जी ये क्वेरीज बंद हो गई है। 2016 में एक ऐसी छुरी मारी है महबूबा जी ने, वो भी पीठ पीछे। कुछ ऐसी आफा चली थी यहाँ पे पिछले 2-3-4-5 सालों से कि ये जो क्वेरीज है ये बंद हुई है, और उनको एक रोज़गार जो पिछले ये 100-150 साल से जो रोज़गार यहाँ पे उनका जो था जो मुतासिर हुआ था, लेकिन अभी इंशाल्लाह ये फिर से खुलने वाला है। मेरा नाम है बशीर अहमद भट्ट, मैं यूनाइटेड क्वेरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। नहीं 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 ये कुछ एलिमेंट्स है जो गलत तरीके से आगे इंतजार फैला रहे कि नहीं जी ये क्वेरीज बंद हो गई है, ये सरासर गलत है। इसमें कुछ रूटीन चेक होता है डिपार्टमेंट की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर श्री नगर की तरफ से, तो वो जो लवाजमात है वो पूरे करने पड़ते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिप्टी कमिश्नर ने गाइडलाइन की है, ये जो हमारा जॉडी माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर श्रीनगर, उसको उसने गाइडलाइन की है कि वहाँ पर कितनी क्वांटिटी जो है वो हमें उसका रिपोर्ट दे दो, बाकी इनको हमने बंद नहीं किया है। मैं गुजारिश करता हूँ जो भी गवर्नमेंट के कंट्रैक्टर हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो किसी के बहकावे में ना आए, उनको बराबर तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ से माल मिलेगा। हम गुजारिश करते हैं तमाम ठेकेदार साहिबान से भी कि किसी के बहकावे में ना आए, और ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अशोक भट्ट साहब, हम उसके बहुत ही आभारी है कि उसने इसमें बहुत ही एक अहम रोल किया है, क्योंकि उसके पास भी कुछ वफूद गए थे ठेकेदार साहिबान गए थे कि इस तरह की मसला है जी इनके पास बंद है, लेकिन बंद तो नहीं था, लेकिन भट्ट साहब ने इसमें एक अहम रोल किया, उसने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से खुद बात की है। तो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने भट्ट साहब से भी कहा कि नहीं जी हमने बंद नहीं किया है, लिहाजा मेरी यही गुजारिश है, मैं भट्ट साहब का आभारी हूँ और बीजेपी के आज तक जो भी मदद किया है वो यही करते रहे हैं, और हमें कोई भी मदद करने के लिए इस वक्त तैयार है, ख़ासतौर पर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, हम उसके भी आभारी हैं, उसके भी शुक्रगुजार हैं कि उसने गाइडलाइन पास की है, नहीं जी इन्हें कोई बंद नहीं है, अथवा इन्होर पांता चौक में जितना भी लूज मटेरियल है उसको उठाने की जरूरत है। की बात 2016 में एक ऐसी छुरी मारी है महबूबा जी ने, वो भी पीठ पीछे, ना उसने आगे देखा है ना पीछे देखा है, उसने ये नहीं देखा है कि ये लोग मजदूर हैं ये कहाँ जाएंगे। उस वक्त के मुझे एक याद है उसका एक डायलॉग, उसने कहा कि मैं माल लाऊंगी एयरलिफ्ट करके जम्मू से, लेकिन आप लोगों को काम करने नहीं दूंगी। आप देखिए एक चीफ मिनिस्टर, बहसीती चीफ मिनिस्टर, उसने क्या कहा था, हम लोग तो मजदूर हैं, हमारे पास और कोई सहारा नहीं था, हमारे बच्चे इसी पर थे, हमारे अगर हमें बच्चों को एजुकेशन वो हमें इसी पर दे रहा। जिस वक्त महबूबा मुफ्ती ने ये बैन कर दिया है, मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम हमारे बच्चे भी रो रहे थे, हम भी रो रहे थे, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन कोई नहीं थे। आपके सामने यहाँ पर बैन किया है ये जो क्वेरीज है अथवाजन के, इसमें पार्क बनी है कोई बात नहीं, ठीक है अगर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव, लेकिन उस वक्त उसको चाहिए था कि हमें रिहैबिलिटेट करना, लेकिन नहीं, उसने कोई रिहैबिलिटेशन हमें नहीं दी, उसने बर्बाद करके रख दिया इस इलाके को पूरी तरह से, यहाँ के यूथ को उसने ख़त्म कर दिया है। अब जो बीजेपी, हम बहुत खुश हैं, उनके हम आभारी हैं, क्योंकि बगैर कोई लालच, बगैर कोई करप्शन, जो भी इन्होंने मदद आज तक किया है उसके बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही आभारी हैं इनके, क्योंकि इन्होंने किसी चीज़ ना भेदभाव नहीं देखा है कि वो ये है वो ये, नहीं नहीं इन्होंने ये देखा ये लोग मजदूर हैं, मजदूरी करना चाहते हैं। हम सरकार से भी, हम डिविजनल कमिश्नर साहब से भी अपील करते हैं, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से भी अपील करते हैं कि नए सिरे से हमारा कुछ ना कुछ करें, ये जो माइनिंग है हम तैयार हैं इसके लिए, जो डायरेक्शन होगी उनके हम उनके डायरेक्शन पर चलेंगे, ये जो नए सिरे से इन्होंने जो कानून बनाया है माइनिंग के लिए उसके लिए भी हम तैयार हैं, और साइंटिफिक तरीके से माइनिंग हम करेंगे और गलत तरीके से हम माइनिंग नहीं करेंगे। जो इस वक्त है हमें सिर्फ लूज मटेरियल उठाने की इजाज़त है, माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो ऑलरेडी हमें बंद है डिपार्टमेंट की तरफ से, हम नहीं करते हैं यहाँ पे कोई भी माइनिंग, अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ वो दूसरी जगहों पर होती है, यहाँ अथवा और पांता चौक में माइनिंग एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं हो रही है,
उसकी गारंटी हम देते हैं, जहाँ भी हमें बताएंगे हम वो लिख कर देंगे, हमें कोई एतराज़ में। आबिद मीर, भारतीय जनता पार्टी, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट लाल चौक। अभी हम अतवाजन में आए हैं, इस अतवाजन में हमने इनसे एक वादा किया था। प्रीवियस कुछ दिनों पहले हमने एक मीटिंग हुई थी पांथा चौक एरिया में, हमारे जिलाध्यक्ष ने और हमने मिल के एक इनसे वादा किया था कि यहाँ पर जो क्योरी का मसला है, जिसको र्यूमर्स की अफवाहों में कुछ ऐसी अफवाह चली थी यहाँ पे पिछले 2-3-4-5 सालों से कि ये जो क्योरीज है ये बंद हुई है, इसको बैन किया है, लेकिन हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं उनका मैं यहाँ की आवाम की तरफ से, यहाँ की क्योरी होल्डर्स की तरफ से खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पर इनसे जो ये वादा किया था कि हम जाएंगे आपके लिए, हमें MHA होम स्ट्री पे भी जाना जाना पड़े तो हम जाएंगे, किसी भी सेक्टर पे जाना पड़े तो हम जाएंगे, हम आपके लिए गुजारिश करेंगे, ऑनरेबल LG साहब को भी गुजारिश करेंगे और DIPCOM साहब को भी और DC साहब को भी कि ये क्योरी है, इसको फिर से बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, काफ़ी तादाद से अनएम्प्लॉयड यूथ बढ़ा है यहाँ पे, और उनको एक रोज़गार जो पिछले 100-150 साल से जो रोज़गार यहाँ पे उनका जो था, जो मुतासिर हुआ था, लेकिन अभी इंशाल्लाह ये फिर से खुलने वाला है, फिर से ये स्टार्ट होगा। मैं फिर से दिल की गहराइयों से फिर एक बार श्री अशोक भट्ट साहब की क़यादत में जो ये काम हुआ, नेतृत्व में उनकी ये काम हुआ, मैं खैर मकदम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से, जो कॉन्स्टिट्यूंसी टीम की तरफ से भी, और हमारे LG साहब को भी और हमारे DIPCOM साहब को भी और DC साहब श्रीनगर, जिन्होंने बहुत एक अहम रोल इसमें किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हमारी पार्टी इनके साथ है, भाजपा सरकार इनके साथ है, जहाँ पे भी कोई भी मुश्किलात यहाँ के हमारे जो गरीब आवाम हैं, जो उनको कोई भी मुश्किलात अगर दरपेश आए, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाल्लाह इनको ये आश्वासन आगे भी देंगे कि अगर कोई भी इशू, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट है किसी जगह पे, हम इंशाल्लाह खुद जाएंगे हमारी सरकार के पास, हम उनके पास इनके लिए हाथ जोड़ कर भी जाएंगे, तो हम जाने के लिए तैयार है, और इनका ये जो क्योरी का मामला था इनको फिर से बहाल। बहुत दुरुस्त बात है, क्योंकि हमारे जो मैंने कहा आपसे जनाब कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और हमारे जो यूथ है, आप देख सकते हैं हाल ही में यहाँ पे ड्रग एडिक्टेड जो यूथ है काफ़ी ड्रग में माइल हो रहे हैं, अगर ऐसे जिस तरीके से भाजपा सरकार ने जो कदम उठाया था, इनिशिएटिव उठाए थे कि हम रोज़गार के साथ यकीन रखते हैं, यहाँ के यूथ को हम रोज़गार देने में अभी इंशाल्लाह सक्षम है, लेकिन आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ का जो और अनएम्प्लॉयड सेक्शन ख़त्म करने का जो हमने जो ठाना है हमारी पार्टी ने, इंशाल्लाह आप देखेंगे प्रायोरिटी बेसिस पर लेकर हमें, क्योंकि मैं खुद भी यूथ, एक यूथ से ही मैं खुद भी हूँ, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले समय में कि यहाँ पर रोज़गार के नए अवसर खोले जाएंगे, और इंशाल्लाह ये जो क्योरी है इसको भी इस अच्छी तरीके से यहाँ के यूथ को सौंपा जाएगा, यहाँ के अनएम्प्लॉयड सेक्शन को सौंपा जाएगा, वो भी इंशाल्लाह अच्छी तरीके से यहाँ पे इकदाम और अपनी कारखाने स्टार्ट